नौनिहालों के भविष्य से खुलेआम हो रहा खिलवाड़। विकासखंड हुजूरपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय एलिया के छात्र छात्राओं के जूते, मोजे और स्वेटर विद्यालय के पड़ोस में बने घर के शौचालय से हुए बरामद। उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई जाती हैं, इसकी वानगी देखना हो तो बहराइच जिले के सरकारी विद्यालयों को देख लीजिए, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। ताज़ा मामला हुजूरपुर विकासखंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय एलिया का है, जहां के शिक्षकों ने छोटे छोटे बच्चों के जूते, मोजे और स्वेटर को बेचने को ही अपना धंधा बना लिया है। विद्यालयों में अधिक से अधिक छात्र संख्या दिखाकर उसके बदले में अधिक ड्रेस प्राप्त करके उसे दूसरे के घरों में रखवा कर फिर बाजार में सप्लाई करना इनका धंधा बन गया है। सरकार द्वारा इतनी अधिक तनख्वाह देने के बावजूद भी ये लोग सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच ने विद्यालय की जांच की तो शिक्षिका द्वारा चाबी न होने का बहाना बनाया गया और रातों रात विद्यालय की ड्रेस को पड़ोस के घर के शौचालय में शिफ्ट कर दिया गया। विद्यालय के कमरे की जांच करने पर ये भी पता चला कि यहां सत्र 2017-18-19 की किताबें भी अभी तक वितरित नहीं की गई हैं और वह भी विद्यालय के कमरों में डंप हैं। इस मामले में जब प्रधानाध्यापिका दीप्ति श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं के ड्रेस, जूते, मोजे और बैग को बांट दिया गया है। वहीं इस मामले में बीएसए का कहना है कि प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जब इस प्रकरण में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि घटना संज्ञान में आई है, संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने एक एलिया प्राथमिक जूनियर विद्यालय है वहाँ चेक किया था, वहाँ की शिक्षिका ने चाबी नहीं दी और फिर रात में रातों रात वहाँ सामान हटाने लगी और दूसरे के यहाँ से बच्चों के जूते, मोजे, स्वेटर बरामद हुए और उस पर सर अभी तक सर शायद जहाँ तक जानकारी आ रही है बीएसए ने उनको सस्पेंड भी किया है। सर ऐसे पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, शासन ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कहीं पे भ्रष्टाचार का अगर प्रकरण साबित होता है, प्रमाणित होता है, तो जो लोग उसमें जिम्मेदार शामिल पाए जाएंगे, लापरवाही बरतते हुए पाए जाएंगे, उसकी पुष्टि होगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी। तो जो प्रकरण के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विभागीय अधिकारी उसके बारे में जान रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसमें कोई कसर नहीं होगी। एक शिक्षिका बच्चों के जूते, मोजे, स्वेटर को बेच रही है और लगातार गुमराह कर रही है सरकार को, ऐसे पर आप क्या कार्रवाई करवाने वाले हैं? सर एलिया की है, दीप्ति श्रीवास्तव। हुजूरपुर विकास खंड में एक एलिया जूनियर विद्यालय है, वहाँ का प्रकरण प्रकाश में आया है कि जूते मोजे अब तक के नहीं बांटे गए थे और किसी स्टोर में रखे गए थे, अब बेचने की नीयत ही होगी और स्टोर में रखने का कोई मतलब नहीं है। बीएसए ने जाकर के चेक किया है जो हमें खबर है और बीएसए ने उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके विरुद्ध शासन में शिकायत की जाएगी और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी बच्चों के हित में काम किए जा रहे हैं, चाहे ड्रेस है, चाहे जूता मोजा हो, चाहे कापी किताब हो, जो सुविधाओं में कटौती करेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। मेरे द्वारा आश्रय निरीक्षण किया गया था और संयोग से जो रिपोर्ट आई थी उसमें पता लगा था कि उनके द्वारा कुछ जूते मोजों को बेचने का प्रयास किया गया है, उसके क्रम में मेरे द्वारा जांच की गई थी। तो उस समय जांच के समय भी उन्होंने निरीक्षण लिखते समय मेरे हाथ से कागज छीनने का प्रयास किया, टीचर द्वारा किया गया, और जो शिकायत थी उसके वीडियो जो मेरे द्वारा देखे गए और स्टोर में उन्होंने ताला खोलने से इनकार कर दिया था उस दिन। उसके अलावा भी जो चीज़ देखी गई कि मिड डे मील में जो दर्ज किया जा रहा है छात्रांकन वो भी अनियमित तरीके से दर्ज किया जा रहा है। निरीक्षण के दिन केवल 22 बच्चे मिले थे और उसके बाद उसके पूर्व की तिथियों में काफ़ी बच्चे दर्शाए गए थे, तो इनको दृष्टिगत रखते हुए इन आरोपों में उनको निलंबित कर दिया गया है।